इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेसिस्टर इन पैरेलल पार्ट टू। तो इसको बेसिकली ये एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, जैसे एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आया तो आप उससे आंसर से सेटिस्फाई हो जाओ, उसके लिए है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक पैरेलल में सर्किट बना लेते हैं। एक सर्किट, एक रेसिस्टर ये है, ठीक, और एक रेसिस्टर इसके पैरेलल में लगा दिया, ये रेसिस्टर। यहाँ पर कोई वोल्टेज सोर्स, तो ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो अगर सपोज करो तुम्हें इसका पैरेलल रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टर है दो पैरेलल में लगे हुए हैं, और इसका अगर आप पैरेलल रेसिस्टेंस के लिए आता है तो कैसे निकाल लोगे? तो फार्मूला है सीधा, R इक्वल्स टू R1 मल्टीप्लाई बाई R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। सिंपल है। तो सपोज करो अब हम यहाँ कुछ रीडिंग ले लेते हैं। R1 की वैल्यू 1 ओम है, ठीक है, और R2 की वैल्यू भी 1 ओम है, तो तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, R की वैल्यू, ठीक है। तो R इक्वल्स टू क्या आएगा, इसको प्लेस कर दो, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0.5 ओम, ठीक है। तो हाफ हो गया, अगर पैरेलल में सेम रेसिस्टेंस है तो हाफ हो जाते हैं, और सीरीज में अगर, तो सीरीज भी साथ में लेके चलें तो ज़्यादा अच्छा है। ऑब्जर्वेशन करना है तो चलो सीरीज वाले भी साथ में ले लेते हैं, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर 1 R1 और ये R2, दोनों को हमें निकालना है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं हमें जब उसको कोई पैरेलल में निकालने के लिए बोला है तो, या सीरीज में निकालने के लिए रेजिस्टेंस बोला है, तो आपको बैटरी कनेक्ट करनी है, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस तरह भी रख सकते हो, R हो गया, ऐसे ही इसको भी, ठीक है, हटा दो। ठीक, तो ये भी अब इन दोनों टर्मिनल पे R वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। इतना कर सकते हो कि अगर दोनों एक साथ आ जाएं तो इसको आर एस लिख दो, इसको आर पी लिख दो, आर पैरेलल आर सीरीज। तो यहाँ पर आर पी की वैल्यू ये है और आर एस की वैल्यू है R1 प्लस R2, तो हम दोनों निकाल लेंगे R1 प्लस R2, ठीक है। तो आर पी की वैल्यू हमारी ये आई, आर एस की वैल्यू आई हमारी 2 ओम। तो अगर 1 1 वोल्ट हैं दोनों, सॉरी 1 1 ओम हैं दोनों रेजिस्टेंस, तो पैरेलल में हाफ वैल्यू हो जाती है और सीरीज में डबल ऐड हो जाएंगे। अब दूसरी रीडिंग, R1 इक्वल्स टू 1 ओम है, R2 इक्वल्स टू 5 ओम, तो अब RP की वैल्यू क्या, तो RP इक्वल्स टू R1 मल्टीप्लाई बाई R2, बार बार मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 6, ठीक। तो 5 डिवाइड बाई 6 कितना बनेगा, जीरो पॉइंट 33 ओम, ये बनेगा, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, इन दोनों को ऑब्जर्व करो, R1 और R2 की वैल्यू 1 और 5 है, और जो रिजल्टेंट आया, जब पैरेलल में इसको कनेक्ट किया तो रिजल्टेंट आया 0.833। तो कहने का मतलब है, जो पैरेलल में अगर आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमारा लोएस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी वैल्यू कम आनी चाहिए, क्लियर है। तो सपोज करो ये तो R1 इसका हो गया, अब एक और ले लेते हैं, R1 इक्वल्स टू 1 ओम ही मान के चलता हूँ, R2 की वैल्यू मान लेता हूँ 100 ओम। अब तो काफ़ी डिफरेंस है, अब देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में कितना आएगा। तो RP इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 1 प्लस 100, तो इक्वल्स टू आया हमारा 100 बाई 101, तो इक्वल्स टू 0.9 समथिंग कुछ आएगा। तो आप R2 की वैल्यू कितनी भी ले जाओ, ठीक है, R2 की वैल्यू आप कितनी भी ले जाओ, तो 0.99, बस ये 99 बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमेशा जो डिनोमिनेटर में है वो उससे जो लोएस्ट रेसिस्टेंस है, सही है, वो उसकी वैल्यू रहेगी, ठीक। तो 0.999 समथिंग ओम कुछ आएगा,
ठीक है, एक और ले लेते हैं, आर वन की जगह ले लेता हूँ मैं 5 ओम और आर टू को ले लेता हूँ 100 ओम, अब क्या आएगा? तो आर पी इक्वल्स टू 5 × 100 और डिवाइड बाई 5 + 100, तो ये आया हमारा 500 / 105, तो ये कितना आया? 4 point something, ठीक है। तो अब अगर आर वन की वैल्यू 5 है और आर टू की वैल्यू आप कितनी भी ले जाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा 4.9999, बस 99 बढ़ते जाएंगे, पर हमेशा 5 से कम रहेगी। तो जो भी आपका दो पैरेलल रेजिस्टेंस अगर आपने लगाए हैं, ठीक है, तो जो भी लोवेस्ट वैल्यू है उससे कम ही आएगी, बस इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या बोलती है? यही बोल रही है, यहाँ पर देखो 1 और 5 है, यहाँ 0.883 1 से कम है, या 100 है 0.99, ठीक है, इसको 1000 भी कर लो तब भी 0.99 ही आएगा, क्योंकि 1000 / 100 सॉरी 1001001, 1001, ठीक, तो वो भी 0.99 ही आएगा कुछ, बस 99 बढ़ते चले जाएंगे पॉइंट के बाद। ऐसे ही अब आर वन 5 लिया, आर टू 100 लिया, तो जो वैल्यू आएगी वो 5 से हमेशा लेस आएगी, सही है। तो 4.99 हो सकता है अगर आर टी की वैल्यू एक लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक, तो 4.999999 ऐसा कुछ हो सकता है, चाहे इसे क्लोम कर लो चाहे कुछ भी कर लो, पर रहेगी 4.9999, बस जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद जो है 9 की वैल्यू नंबर ऑफ प्लेस वो बढ़ जाएंगे, बस और कुछ नहीं होगा। तो अब आते हैं सीरीज वाले केस में, तो सीरीज वाले केस में RS इक्वल्स टू 6 ओम, यहाँ पर 101 ओम, यहाँ पर 105 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों का समय सिंपल है, तो कहने का मतलब है जो मैक्सिमम रेसिस्टेंस होता है उससे भी ज़्यादा वैल्यू आएगी सीरीज में, ठीक, जो मैक्सिमम रेसिस्टेंस है, जो मैक्सिमम वैल्यू है जिस रेसिस्टेंस की उससे ज़्यादा आएगी, और पैरेलल में क्या है, जो लोएस्ट रेसिस्टेंस है उससे कम आएगी, ठीक। तो इसको याद रखना, तो न्यूमेरिकल में आपको जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने काम आएगा। अब दूसरा इसमें और एक चीज़ साथ में जोड़ देते हैं, सपोज करो बैटरी मैंने इस तरह कनेक्ट की हुई है, एक फिर मैंने रेसिस्टर लगा दिया, फिर एक बैटरी लगा दी, ठीक है, और एक फिर रेसिस्टर यहाँ लगा दिया, तो बैटरी 2 वोल्ट की है, 2 वोल्ट की दोनों बैटरी हैं, रेसिस्टेंस R1 और रेसिस्टेंस R2, तो सर्किट ठीक है या नहीं है? तो ये रेसिस्टेंस मुझे ये बताओ, जो ये सर्किट है ये इसके इक्विवेलेंट है कि नहीं है? तो यहाँ पर मैं एक और 2 वोल्ट और इस रेसिस्टर को नीचे ले आया, ये R1 ये R2, सही है, ये 2 वोल्ट और ये 2 वोल्ट। अब ये जो सर्किट है ये इसके इक्विवेलेंट है कि नहीं है? बिल्कुल सेम है कि नहीं है, ठीक है, तो सेम है क्योंकि R1 भी सीरीज में कनेक्ट हुआ है, ठीक है ना। तो अगर इसकी आपको इस तरह का सर्किट बन के आ जाए तो आप उसको निकाल के इस तरह भी लगा सकते हो, सही है, और इसको यहाँ पर भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक। तो कैसे सोल्व करना है, जो सोर्स वाले हैं उनको पॉजिटिव रखना है, जो सोर्स है, जो वोल्टेज का सोर्स है उनको पॉजिटिव रखना है, और जो कंज्यूमिंग कंपोनेंट है R1 और R2 इनको माइनस रखना है, इनके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी। तो कहने का मतलब है 2 + 2 - VR1 - VR2 = 0 यह आएगा, ठीक है, तो सिंपल है। अब ऐसे ही बैटरी आपको अलग तरह से कुछ कनेक्ट होकर आ सकती है, जैसे कि एक बैटरी ये इस तरह कनेक्ट की हुई है, एक बैटरी उन्होंने फिर इस तरह लगा दी और फिर इस तरह लगा दी, ठीक है। अब इसके पूछ रहे हैं इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, ये आ सकता है, ठीक। तो PD इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू, यहाँ पर इसका भी 2 वोल्ट वैल्यू है, इसके भी 2 वोल्ट है, इसके भी 2 वोल्ट है, तो अब कैसे करेंगे? तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, तो कोई सी भी एक साइड पॉजिटिव मान लो, ठीक है। तो अगर इसने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ये प्लस है ये माइनस है, तो PD इसको प्लस माइनस, ठीक है, पर क्योंकि ये सारे एनर्जी सोर्स हैं, ठीक है, तो एक को आपको प्लस लेना पड़ेगा और एक को आपको जो उससे अपोजिट है उसको माइनस लेना पड़ेगा। तो कितना हुआ, 2 वोल्ट + 2 वोल्ट एक साइड वाले, ये प्लस माइनस और प्लस माइनस सेम पोलैरिटी है, अगर करंट फ्लो इस तरह होगी तो ये अपोजिट पोलैरिटी है, -2 वोल्ट इक्वल्स टू
2 वोल्ट। तो अब ये जो है इसका जो एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट रहेगा, क्योंकि ये जो है अपोजिट लगी हुई है। ठीक है, इस तरह इसको ध्यान रखना है। एक और केस बना लेते हैं, एक बैटरी यहाँ पर लगाई हुई है, एक बैटरी यहाँ पर लगाई हुई है, एक बैटरी यहाँ पर लगाई हुई है। ठीक है, अच्छा पहले ये देखो, ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है? सही है, बस इक्विवेलेंट है। यहाँ वायर इस तरह लगाया हुआ था, इसको ऐसे कर दिया है। सही है, इसको इस तरह लगाया हुआ था, इस तरह कर दिया है, बस है ना, बाकी सब सेम है। ठीक है ना, तो ए बी, इसको ए बी, तो ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, कितना है इन दोनों पॉइंट पे? अगर इनकी जो 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट 2 वोल्ट, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, अब कितना है? ठीक, तो अब कितना आएगा? तो जो पैरेलल में अगर वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तो वोल्टेज सेम रहती है, तो 2 वोल्ट ही आंसर आएगा। ठीक है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसमें सिर्फ इसको देखना है कि पैरेलल में अगर आपने वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किए हुए हैं तो वो उतने वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, चाहे पोलैरिटी आप अप डाउन कैसे भी कर लो उनकी, ठीक, तो जो आएगा वो 2 वोल्ट ही आने वाला है। क्लियर है? पर हाँ, एक केस है, अगर आपने इस तरह इसको कनेक्ट किया हुआ है और इस तरह एक इसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो इससे करंट निकलेगी और इसमें इन दोनों में ये पूरा एक सर्किट बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इतनी हीट हो जाएंगी, है ना, तो इस तरह इसको कनेक्ट नहीं करते हैं। तो ये वाला है बस जो एक मेथड है, तो सीरीज में लगा सकते हैं, सीरीज में वोल्टेज है जो माइनस हो जाती है नेगेटिव में, पैरेलल में नहीं लगाते, पैरेलल में क्योंकि करंट फ्लो इन दोनों में ही आपस में होने लगेगा। ठीक है, ये सीरीज में बन जाएंगे और ये शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह ये पैरेलल में जब बैटरी लगाते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ और नेगेटिव टर्मिनल एक तरफ, अगर आपने किसी सेल की पोलैरिटी चेंज करके लगाई पैरेलल में तो उसके अंदर सर्किट बन जाएगा और वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सही है, तो ये शॉर्ट सर्किट टाइप कराएगा। तो ये ऐसा ही है जैसे कि शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, तो सबसे हाईएस्ट करंट रहता है उससे ये हीट होना शुरू हो जाता है, तो हो सकता है बैटरी जो आपकी ब्लास्ट कर जाए। ठीक है, ठीक है ना, तो ये है। चलिए अब इसको यहीं रोकते हैं, चलें।